इट्स 2015 अ ब्रांड न्यू ईयर. आपको हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ अ हैप्पी न्यू यू भी. द न्यू ईयर इज रियली ऑल अबाउट दिस, राइट? हम चेंज करना चाहते हैं, हम फिर से अपने आप को एक चांस देना चाहते हैं. एंड हालांकि असल जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों और लोगों को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. इसलिए हम घूम फिर के अपने आप को ही चेंज करने पर आ जाते हैं. दिस ईयर आई एम गोइंग टू लूज वेट, दिस ईयर आई एम गोइंग टू प्लान बेटर, दिस ईयर आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनीवन ट्रीट मी बैडली, दिस ईयर आई एम गोइंग टू क्विट, और एटलीस्ट वेल थोड़ा कम कर दूंगा, यू नो, जो मैं करता हूँ, आई एम गोइंग टू लेसन इट दिस ईयर. बेसिकली हम न्यू ईयर पर फिर से वही अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करते हैं जो किसी जमाने में हमारे मम डैड हमको बनाने की कोशिश किया करते थे. वही होता है हमारे रेजोल्यूशन का एक्चुअल जो गोल है ना, वही होता है. इसी को कहते हैं माँ की जीत. भाई जब माँ ने बापू जी को सुधार दिया तो हम तो फिर उसी खेत की मूली हैं. इसलिए आई एम वेरी श्योर कि लाइफ लॉन्ग हमारा ये रेजोल्यूशंस का जो सिलसिला है ये चलता जाएगा. लेकिन एक चीज जो मेरे हिसाब से इस ईयर डेफिनेटली हमारी लाइफ में चेंज होनी चाहिए और हमें अपनी लाइफ में ये चीज करनी चाहिए, वो है ब्रीथ. जी हाँ, दैट्स ऑल. वी जस्ट नीड टू ब्रीथ दिस ईयर. इसके दो फायदे हैं. एक तो ये कि किसी भी मामले में आप ओवर रिएक्ट करने से पहले एक लंबी सांस लो और टेंशन रिलीज हो जाएगी. जैसे कि कभी कभी यू नो थिंग्स डोंट गो योर वे, या फिर ऑन द रोड्स एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो योर वे. ब्रीथ, टेक इट ईजी. स्पाउस से मिल रहा है साइलेंस, बच्चों से मिल रहे हैं नॉन स्टॉप क्वेश्चन, इरिटेट होने से पहले ब्रीथ एंड एवरीथिंग विल चेंज. एंड ऑफकोर्स ब्रीथिंग का एक और फायदा है, और वो ये है कि यू गेट अ लाइफ लिटरली. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स कि हम अपने फ्रस्ट्रेशंस और टेंशंस और ओसीडीज के बीच में थोड़ा पॉज लें और अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि एम आई बिकमिंग दैट पर्सन हु नीड्स टू गेट अ लाइफ. सो टेक अ ब्रेथ एंड एंजॉय योर लाइफ. And of course, don't be too harsh on yourself this year. You've always been awesome and you're only going to get better. Disappointments part and parcel hoti hai. Arey bhai, jo filmein humne dekhi thi, sci-fi wali, when we were kids, unke hisab se by 2010, all of us were supposed to be flying around in flying saucers. Hua? 2015 ho gaya hai. Clearly, we all as a generation are a disappointment. So relax. Keeping up with Karishma. New video every Thursday. Except when I'm on leave. Because I have a life. Look, I'm flying.